सेंटर ऑफ मास, इस फोक का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है, तो यहां पर से मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं। अगर दोनों फोक्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आप आ जाओ, यहां से देखो, अगर मैं इस तरह से फोक को रखूं तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इस पॉइंट पर है, लेकिन अगर मैं इसको जरा सा कर्व करूं इस तरह से तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा इसके बॉर्डर पर। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर ग्लास के बॉर्डर पे आ जाता है और अपना सिस्टम कंप्लीटली बैलेंस में हो जाता है।